करनाल के घरोंडा के गांव में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या का कारण पैसों का लेन देन है। मृतक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें वह पैसे के लेन देन के चक्कर में परेशानी का कारण लिखकर सुसाइड करने की बातें कह रहा है। फिलहाल पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि राजेश नामक 55 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव के ही व्यक्तियों के साथ पैसे के लेन देन के मामले के चलते राजेश ने सुसाइड किया है। राजेश ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें वह पैसे के लेन देन के चक्कर में परेशानी का कारण लिखकर सुसाइड करने की बात कर रहा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि इसी मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई थी, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा पैसा देने से मना कर दिया गया, जिससे परेशान होकर राजेश ने यह कदम उठाया है। फिलहाल मृतक का शव करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में रखवाया गया है, जिसको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं परिजनों ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। उन्होंने बताया कि किसी जमीन के प्लाट को लेकर पैसे का लेन देन था, उसी मामले को लेकर मृतक राजेश ने यह कदम उठाया। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मृतक की शिनाख्त घरोंडा निवासी राजेश 55 वर्षीय के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस में भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर आत्महत्या करने की बात की जा रही है। फिलहाल जाँच की जा रही है। मामला है, पैसे का लेन देन था। गांव का ही एक प्रॉपर्टी डीलर था, घरोंडा रहता था। कौन सा गांव है? रायपुरा। ये मेरे ससुर जी है जो एक्सपायर हुए हैं। क्या नाम है इनका? राजेश सोठाट सिंह, गांव रायपुरा। और जो देवेंद्र नाम है उनका, जो तीन चार बार पंचायत हुई, इस बार पंचायत हुई, कल पंचायत हुई थी, उसमें साफ जवाब दे गया पैसे के लिए। 15-16 लाख रुपए का, 25-26 लाख रुपए का सिस्टम था, लेन देन बाकी था उसके साथ। अभी वो बिल्कुल ही क्लीन जवाब दे गया पंचायत में, मैंने कुछ नहीं देना। इसी टेंशन में आके उन्होंने फिर सुसाइड कर किया, खेत में दवाई वगैरह पी, जिसकी वजह से उनकी रात ही मौत हो गई। तो सुसाइड नोट छोड़ के गए? हाँ, सुसाइड नोट छोड़ रखा है, पर उसमें सिर्फ इतना ही लिख रखा है, 26 लाख रुपए देने हैं जो कि मेरे मार लिए हैं। उनका नाम नहीं लिख पाए शायद वो, बाकी अभी कंप्लेंट कराने के लिए गए हैं लड़का उनका। कौन लोग हैं थाने? जो वो भी गांव के ही हैं, थाने जो देवेंद्र है वो भी गांव का ही है, रायपुर का ही रहता, घरोंडा है गांव का। बस में प्यार मिलाप अच्छा था, इस चक्कर में अपना लेन देन कर लिया, तो अभी वो मुकर गया अभी सारी उसको। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से कार्रवाई चाहते हैं। अभी तक तो कोई पुलिस आई नहीं इधर, न रात को पुलिस ने किसी ने बयान वगैरह लिए उनके। तब पुलिस अपना आए, अपना कार्रवाई करे, उसको अरेस्ट किया जाए, जल्दी जल्दी कार्रवाई हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम सचिन। क्या लगता था आपका राजेश? मेरे ससुर जी थे। रेस्ट करो ना, इंसान मिलना चाहिए, इंसान मिलना चाहिए, उन्हें रेस्ट करो। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा भाई, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। हम भी सुबह के खड़े हैं, हमारा मोसा लगा था इनकी, राजेश जी की लड़की है मेरे भाई का, बड़े का सचिन का, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। लड़का उसका छोटा बेचारा, उन्हें पता नहीं इतना ही गया होगा घरोंडा जा रहा, कोई भी कर नहीं कर रहा प्रशासन कार्रवाई ना। कोई गांव का तो ऐसी है, वो भी गांव का ही है। गांव का तो कोई तो निंगे की कहने के, निंगे कहने के ना कह सकते, गांव के तो फर्क पड़ा ही है, गांव राम रहना। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।